ओके आज का टॉपिक है हम लोग फिक्स योर आइडियोलॉजी, मतलब आप अपना आइडियोलॉजी खुद फिक्स करिएगा। अगर नहीं है तो दुनिया है ना, वो अपना जो आइडिया है वो आपके ऊपर थूक देंगे, वो राइट उसको बोलते हैं फिक्स योर आइडियोलॉजी। फॉर एग्जांपल मैं आइडियोलॉजी की बात कर रहा हूँ हर चीज़ का, राइट आपका लाइफ, आपका खाना पीना जीने का तरीका स्टाइल, भगवान यू नो मानना कौन सा भगवान क्या है, हर चीज़ दुनिया में भरा पड़ा है, राइट और आपको उसे पहले मानना पड़ेगा कि आपको क्या सही है क्या गलत है, आप के हिसाब से क्या सही है ये नहीं है। तो हम लोग जो बचपन में हमें जो बड़े लोग जो बताते हैं हम लोग सीधा सीधा उसी को मान के चलते हैं। मतलब ये है कि आप जो अगर प्लेन स्लेट है यानी कि प्लेन पेपर है तो जो भी आएगा उसमें लिख देंगे, और एक बार उन्होंने लिख दिया तो आप पोपट बन के हर जगह पे वही बातें करेंगे। तो मेक श्योर कि आप अपने लिए एक आइडियोलॉजी बनाइए, आप जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वही फॉलो करिएगा और अपना खुद का आइडिया, हाँ उसमें हमेशा चेंज करना होगा अलग बात है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक चीज़ बताता हूँ, अभी जैसे कोई आगे मुझे 10 रुपया ज़्यादा दे दिया यू नो हिसाब में तो मैं वापस उसको दे दूँगा, ये मेरा आइडियोलॉजी है। नीचे पड़ा हुआ रुपया को मैं कभी लूँगा नहीं, मैं किसी को चीटिंग नहीं करूँगा, ओके मैं कभी ये नहीं करूँगा, मैं कभी वो नहीं करूँगा, ऐसा पूरा लिस्ट आपके पास होना चाहिए। नॉनवेज खाऊँगा नॉनवेज नहीं, इस तरह का सही है गलत है नो जो आइडियोलॉजी है आपको अपना आइडियोलॉजी फिक्स करना है। फॉर एग्जांपल अभी मेरे पुराना ऑफिस में जब मेरे बॉस नहीं रहते हैं तो मेरे जो कलीग्स हैं सब जाके वो चार में बैठते हैं घूमते हैं सब नाटक करते हैं, लेकिन जब मेरे को बोलता है कि आप भी बैठ जाओ बोलता हूँ नहीं बैठूँगा, जब मैं इस लेवल पर बैठ जाऊँगा मैं उस औकात में आऊँगा उस समय मैं वहाँ पर बैठूँगा अदरवाइज नहीं बैठूँगा, ऐसा ये मेरा आइडियोलॉजी है राइट। और हम लोग कभी हमारा कॉन्फ्रेंस होता था ऊटी में तो 2500 का पकड़ था तभी, ठीक है तो ऊटी में ऑब्वियसली कुल जो ज़्यादा ठंड होगा इसके लिए हमें बुला के लेके जाते हैं कि कोट लेके आ जाओ वहाँ पे, तो हम लोग जनरली मेरे कलीग इधर उधर किससे कोट लेते हैं भाड़ा पे नहीं अपना फ्रेंड्स में, तो उसमें कुछ लोग हैं वो अपने लिए खुद का कोट से आए हम लोग ने 2500 पगार में। मैं बोलता हूँ ये क्या यार, हम लोग उस तरह का औकात का है नहीं है कोट डालने का, राइट हम लोग पहनने की जरूरत नहीं। तो मेरे आइडियोलॉजी ये था कि जब मैं कोट पहनने का लायक बनूंगा तब मैं कोट लूँगा। तो उसके बाद हमेशा मेरा फ्रेंड्स वगैरह चाचा मामा जीजू कहीं से भी उनसे कोट लेके जाता था उस दिन, एक दिन के लिए मैं हम लोग कॉन्फ्रेंस करके आ जाते राइट वन। लेकिन जिस दिन मैं ट्रेनर बन गया और मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिला बड़ा अमाउंट का कॉलेज में, मुझे 3 दिन का स्पीच देना था, तो जब मैं निकला उस दिन पहले दिन जाके मैं मेरे लिए ज़िंदगी में पहला कोट लिया, ओके दैट्स माय आइडियोलॉजी कि मैं जो भी करूँगा उस तरह का औकात में आऊँगा तभी करूँगा, है ना, या फेक काम कुछ नहीं करूँगा, मैं किसी के साथ गद्दारी नहीं करूँगा, मेरे मम्मी पापा को लास्ट तक देखूँगा, वो मेरे साथ जो भी करें लेकिन मैं उनके साथ हमेशा अच्छा करूँगा, एनीथिंग आइडियोलॉजी, अपना खुद का एक आइडियोलॉजी आपको लेके चलना है। वो आइडियोलॉजी आप बनाना स्टार्ट कर दो, मैं कौन हूँ मैं क्या करता हूँ मैं क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा, मेरा सोच क्या है, मैं किसको मानता हूँ किसको नहीं मानता हूँ, मेरा ज़िंदगी कैसे होगा, हर चीज़ आपको एक लिस्ट बनाने की जाना चाहिए। इस तरह का आपको बनाने पे आपको एक सॉलिड कॉन्फिडेंस मिलेगा और इससे आपका तरह की सक्सेस में बात करने का तरीका में कॉन्फिडेंस आएगा। लेकिन ये बहुत थिन चीज़ है, इसके ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस या ईगो वगैरह नहीं आना चाहिए, वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा राइट। एनीवे सो फिक्स योर आइडियोलॉजी अदरवाइज somebody else will come and fix your आइडियोलॉजी। चलो थैंक यू।